श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल बतकथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम वृश्चिक राशि का राशिफल बताने जा रहे हैं कि 2023 वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, साथ ही करियर कैसा रहने वाला है और संतान प्राप्ति के योग कौन से महीने में प्रबल योग बने हुए हैं और कौन से महीने में आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि आपको अत्यधिक लाभ मिल सके। दोस्तों, 2023 में देखिए बड़े बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपको क्या फल देने वाले हैं उसकी जानकारी दे रहे हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, 2023 वृश्चिक राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। 6 महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटने वाली हैं। साथ ही दोस्तों, वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में हैं और संतान सुख के बहुत ही प्रबल योग बने हुए हैं। जनवरी फरवरी में आपको बहुत अच्छे संतान सुख के साथ साथ वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही दोस्तों, 30 वर्षों के बाद देखिए शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी ही राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, जिसके कारण आपको अत्यधिक लाभ मिलने के योग बनेंगे। यानी अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, वाहन का सुख और साथ ही अगर कोई व्यापार करते हैं तो उसमें बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, क्योंकि शनिदेव आपके 4th हाउस में सस नाम का राजयोग बनाने जा रहे हैं, जिसके कारण आपको अत्यधिक लाभ मिलने के योग बने हुए हैं। साथ ही दोस्तों, देखिए वृश्चिक राशि के लिए शनि की ढैया भी प्रारंभ हो जाएगी। अगर 14 मार्च से लेकर अप्रैल का पूरा महीना अगर आप कोई भी लोहा मशीन या कोई भी वस्तु खरीदना चाहते हैं तो सोच विचार कर अवश्य करें, यानी कोशिश करें कि इस महीने में आप कोई भी नया कार्य शुरू ना करें, कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ना करें, कोई भी शुभ कार्य यानी मांगलिक कार्य आपको नहीं करना है 14 मार्च से लेकर अप्रैल तक। क्यों? क्योंकि देखिए राशि स्वामी मंगल आपके 8th हाउस में रहेंगे तो इस समय पर आपको विशेष सावधानी अवश्य रखनी है। उसके बाद दोस्तों, मई जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर, जुलाई से लेकर सितंबर का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। करियर के मामले में, नौकरी में, व्यापार में, फाइनेंशियली आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट मिलने के योग बने हुए हैं। अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलने के या गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। 21 अप्रैल के बाद देखिए देवगुरु बृहस्पति आपके 6th भाव में रहेंगे और इस समय पर जो भी मतलब दंपति हैं, जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन उसके साथ ही आपको थोड़ी सी सावधानी अवश्य रखनी पड़ेगी अपने वैवाहिक जीवन में। मतलब लड़ाई झगड़े के, गलत फहमी के योग बने हुए हैं, इस समय पर आपका खर्चा भी बढ़ सकता है। 21 अप्रैल के बाद भी देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए संतान सुख के बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं और साथ ही आपको 30 अक्टूबर के बाद थोड़ी सी सावधानी अवश्य रखनी पड़ेगी, क्योंकि राहु आपके पंचम भाव में होंगे तो पढ़ाई को लेकर मतलब शिक्षा के क्षेत्र में आपको असुविधा हो सकती है, यानी पढ़ाई से आपका मन हट सकता है और संतान में भी आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो 30 अक्टूबर के बाद का थोड़ा सा समय आपके लिए सावधानी रखनी होगी और अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। और उसके बाद देखिए 16 नवंबर से लेकर दिसंबर का पूरा महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। सबसे अच्छा ये समय रहेगा, कोई गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, नौकरी में तरक्की के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। कुल मिलाकर 2023 वृश्चिक राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, साथ ही आपको संतान पक्ष भी आपका मजबूत रहेगा, यानी संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। जिन महीनों में हमने आपको बताया है कि आपके लिए संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं तो उन महीनों में आप चांसेस अवश्य ले सकते हैं और साथ ही अगर पुत्र की इच्छा रखते हैं तो सम दिन के साथ सम तिथि का प्रयोग अवश्य करें। दोस्तों, ये हमने वृश्चिक राशि का राशिफल बताया है, 2023 कैसा रहने वाला है, संतान प्राप्ति के योग कब बन रहे हैं और साथ ही क्या उपाय करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखिए हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही अच्छा रहेगा। मंगल के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं या फिर चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करें और नित्य प्रति सूर्य को अर्घ्य दें तो निश्चित ही आपको बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।